सबसे पहले आपको ये जान के काफ़ी हैरानी होगी कि किसी पक्षी की उम्र 70 साल हो सकती है। जी हाँ, आपने सही सुना, 70 साल। और वो पक्षी और कोई नहीं बल्कि ईगल है, यानी सिंपल में बोले तो चील है, जिसकी एज नॉर्मल एक इंसान की जितनी होती है। चील एक बहुत पावरफुल बर्ड है जो अपने शिकार को काफ़ी ऊपर से देख सकता है, और एक तेज चोंच और खतरनाक पकड़ से किसी भी शिकार का एक बार में काम खत्म कर सकता है। दूसरे पक्षी तो खतरनाक मौसम में अपने घोंसले में अपने पेड़ में जाके छिप बैठते हैं, लेकिन ये अपने बड़े पावरफुल शरीर और पंखों की मदद से बादलों से भी ऊपर आसमान में एक राजा की तरह उठता है। 40 साल तक ये ऐसे ही सारी जगह राज करता रहता है, लेकिन उम्र के साथ साथ इसके शिकार करते करते मेहनत करते करते इसकी चोंच मुड़ने लगती है। इसकी पकड़ अब बिल्कुल तेज़ नहीं रहती और इसके पंख इतने भारी हो जाते हैं कि उम्र के साथ साथ ये सही से उड़ भी नहीं पाता। तो बिना शिकार किए बिना तेज़ उड़े कोई पक्षी कैसे जिएगा? कोई और पक्षी होता तो वो अपने मरने का वेट करने लगता, मगर वो ऐसा नहीं करता। वो एक कायर की तरह नहीं मरना चाहता। उसे पता है कि वो एक चील है जो कभी एक आसमान का राजा था। वो अपनी मुड़ी चोंच और बेकार पंजों के साथ उस जगह की सबसे ऊंची पहाड़ी पर जाके बैठ जाता है और उस पहाड़ी पर अपनी चोंच मारते लगता है और मारता रहता है। चोंच मारते मारते उसकी चोंच में से खून निकलने लगता है। बेहद दर्द होता है, मगर वो तब तक नहीं रुकता जब तक उसकी पूरी चोंच टूट नहीं जाती, और साथ साथ अपने पाँव अपने पंजे उस जमीन पर रगड़ता रहता है और लगातार कई महीनों तक रगड़ता रहता है। और जो भारी पंख है उसे अपने शरीर से खींच खींच के तोड़ने लगता है और तोड़ता रहता है जब तक सारे भारी पंख निकल नहीं जाते। सोचो वो पंख जो उसके शरीर से जुड़े हैं उसे तोड़ते वक्त कितना दर्द होता होगा, मगर उसे पता है उसका लक्ष्य क्या है, उसका एम क्या है, और वो जी जान लगा देता है उसके लिए। और फिर 6 महीने बाद वो पक्षी जो मरने की हालत में था वापस वही पहले वाला जोश उसी ताकत से वापस एक नया जन्म लेता है। फिर अगले 30 साल तक एक वॉरियर की तरह अपना जीवन जीता है। तो एक नॉर्मल इंसान का इसी तरह जीवन 70 साल का होता है। लाइफ में एक बार ऐसा टाइम आता है जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उसे एक डिसीजन लेना होता है। या तो जैसा चल रहा है चलने दो, या फिर कुछ ऐसा करे कि बाकी सारे लोग दूसरे पक्षियों की तरह उसे देखते रह जाएं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल परम ज्ञान को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए।